सरस्वती एकेडमी। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक्स और वाई को इनमें से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आप दिखे हुए कि भाई आई वाई के साथ है, कभी आई एक्स के साथ है। तो हमें x और y को यानी रियल और इमेजिनरी को अलग करना है। किस तरह से करेंगे देखना ध्यान से। सम स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत फॉरवर्ड मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखना। फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सॉल्व करवाते जाऊंगा, जो फंडामेंटल्स आपको दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो x विदाउट इमेज यानी कि ये रियल है, राइट, और यहां पे ये रियल है और ये रियल है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी। वाई बिकॉज आई है इसलिए ये भी इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी का आपको मैंने समझाया। अब रियल को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये सभी टर्म्स को, तीनों तीन को हम लोग लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो देखो पहले x लिखा है, रियल है वो, उसके साथ दो रियल नंबर्स हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस y, क्योंकि y जब यहां जाएगा तो साइन चेंज होगा। प्लस थ्री इक्वल के ये साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा। ये हो गया रियल नंबर का ग्रुप। अब इमेजिनरी नंबर का ग्रुप बनाते हैं। तो उसमें 4i y है, ये भी इमेजिनरी है, जो यहां जाने के बाद माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स आई हो गया। और कुछ और कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, इक्वल टू जीरो। क्यों इक्वल टू जीरो, क्योंकि तीनों तीन जब लेफ्ट साइड जाएंगे राइट साइड पे कुछ बचेगा ही नहीं, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैं जीरो के बदले जीरो प्लस जीरो आई लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो इंटू आई विल बी जीरो, जीरो प्लस जीरो विल ऑल्सो बी जीरो। तो ऐसा लिखने का कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो में भी हम रियल और इमेजिनरी बताते हैं, जो आगे जाके हमें हेल्प करेगा। तो देखो इसमें, अब ये जो रियल है उसको मैंने लिखा, और यहां पे इमेजिनरी में से आई में जो है आई उसको कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा आई बाहर आ गया कॉमन, तो 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आई। ठीक है, एक्स को पहले लिखना है तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसा को वैसा रखेंगे, पर अगर एक्स को पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है, यानी ये यहां पे लिखना है और ये यहां पे लिखना है, तो उस केस में क्या करना होता है, ये साइन को चेंज करना होता है। कब ऐसा करना है, जब यहां पे माइनस हो तो ये साइन को चेंज करना पड़ेगा। कब, जब मैं एक्स को पहले लिखूंगा 4y को बाद में लिखूंगा तब। पर अगर यहां पे प्लस है तो फिर इसको आगे पीछे लिखूंगा तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो स्टार लिखते हैं इसको, माइनस आई x माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो। रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, यानी ये रियल जो है वो जीरो के साथ कंपेयर होगा, यानी इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, राइट। एंड इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है, राइट, ठीक है। तो अभी इसको कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे, आई को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स माइनस फोर वाई विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस साइन देखोगे कहां गया, तो हम कंपेयर करेंगे, अगर ये प्लस के बदले अगर यहां पे माइनस होता तो भी चलता, तो मैंने ऐसे मान लिया कि भी माइनस है तो साइन हमने नहीं लिखा। तो
तो इसमें आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इतना हमने किया। अब आपको इसका आंसर तो नहीं आया, पर x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के तीन मेथड्स होती है जनरली जो यूज होती है, वो जैसे एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी है एलिमिनेशन मेथड, तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, दोनों इजी है। हम एलिमिनेशन को यूज करते हैं। तो x माइनस फाइव मैं क्या करूं, पहली इक्वेशन यहां लिख रहा हूं। अच्छा, उससे पहले हम लिख देते हैं कि सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये इक्वेशन लिखूंगा x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये दोनों x जो है उसका कोएफिशिएंट सेम है, 1-1 है, प्लस प्लस में है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे सभी का, ठीक है। अभी x माइनस एक्स, अभी ये जो x है उसका साइन तो पॉजिटिव है, पर ये x का अभी साइन कौन सा लेना है, नया वाला साइन, न्यू साइन। उसी तरह से 4y का साइन माइनस है, पर अभी ये न्यू साइन इसका बन जाएगा, यानी 4y क्या हो जाएगा, प्लस में। न्यू साइन आपको लेना है, x का भी न्यू साइन माइनस है, तो ये माइनस x आपको कंसीडर करना है। तो x माइनस x विल बी 0, माइनस y प्लस 4y विल बी 3y, एंड दिस विल बी 3 माइनस 0 3। तो y विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू 1। 3 डिवाइड में कैसे गया, 0 तो हट गया, 3 को अभी क्या करना है, 3 और y आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का टर्म जब इक्वल के वो साइड जाता है तो डिवाइड में जाता है, सो 3 अपॉन 3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, माइनस 1 राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, सो 3 प्लस 1 यानी x क्या हो जाएगा, 4। यानी हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। ये दो आपके आंसर्स है, यानी हमने क्या किया, क्वेश्चन में लिखा था ऑब्टेन x एंड y, तो हमने x एंड y को फाइंड आउट किया, पर एक किस तरह से कर लिया हमने, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया, इसलिए हमने उसको आराम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, आपको दिया है इसमें डिनोमिनेटर में i है, इसमें डिनोमिनेटर में आई नहीं था, डिनोमिनेटर था ही नहीं, इसमें डिनोमिनेटर में भी आई है, तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि ये जो है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप काम कीजिए इनको मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा आप क्या करो, इसको इनके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इसके साथ भी और ये इसके साथ, इस तरह से आपको एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, ये टर्म नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तो फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते और उसको सॉल्व करते, पर इक्वल टू है तो डिनोमिनेटर को हम लोग वो साइड मल्टीप्लाई कर सकते। चलो देखते हैं आगे, 1 प्लस आई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y है, 1 माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस आई भी यहां मल्टीप्लाई होगा, पहले ये लिख देता हूं 1 प्लस 3 आई,
वन माइनस आई भी मल्टीप्लाई करेंगे और वन प्लस आई भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मैंने एलसीएम इसका सेट किया है, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब ये मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x, फिर x को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आई। अब मैं y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा y, फिर y को मैं माइनस i से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस y i। 1 प्लस 3i है तो 1 प्लस 3i एज इट इज। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करूंगा, क्यों, जल्दी हो जाएंगे इसलिए, क्योंकि ये है 1 माइनस i 1 प्लस i, यानी a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, a माइनस b a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस i जो है और ये 1 प्लस i जो बनता है उसका क्या बनेगा, a स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। और 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर बनेगा, 1 स्क्वायर का आंसर आएगा 1 माइनस i स्क्वायर का आंसर, i स्क्वायर का आंसर होता है स्टैंडर्ड, i स्क्वायर का आंसर होता है माइनस 1। तो अगर ये माइनस को आप यहां भेज देंगे तो क्या बनेगा, माइनस i स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, माइनस i स्क्वायर will be equal to 1, that will be positive, right? यानि 1 square का तो 1 है, पर minus i square के बदले में क्या लिखूंगा, plus में 1, यानि ये plus होगा, ठीक है, और इसका answer क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, यानि ये कहने का मतलब ये मेरा, कि दोनों brackets को solve करेंगे तो answer क्या आएगा, 2, तो मैं directly यहां पे 2 लिखता हूं। फिर से वही कहानी के आई वाला अलग रियल अलग, तो इसमें रियल वाला x प्लस ये y और ये एक्स आई और ये y आई, आई वाला है ना उसमें, तो इसको अलग करेंगे, टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू, टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6i, इसमें भी ये करेंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे और रियल का ग्रुप बनाएंगे, इमेजिनरी का ग्रुप बनाएंगे, तो 2 जब यहां जाएगा तो ये x और y के साथ में लिखूंगा पर माइनस 2 कर दूंगा, क्योंकि साइन चेंज होगा ना, प्लस 2 यहां जाएगा तो माइनस 2। उसी तरह से अब ये मैं लिखता हूं xi माइनस yi और ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो 6i बन जाएगा और यहां पे क्या रहेगा, 0 प्लस 0i। तो रियल को फिर से लिखा, इमेजिनरी को अलग करना है, यानी i कॉमन निकालना है, तो क्या आएगा, x माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब ये जो है x plus y minus 2 equals to 0 हो जाएगा, compare कर रहे हैं, देखो real part equal to बीच में है इसलिए equal to लिख रहे हैं, इसके जैसा ही, फिर imaginary part और imaginary part को compare करना है, तो मैं उसको double line करता हूँ, ये imaginary part, यहाँ पे ये imaginary part और बीच में equal to है, ऐसा आ गया, क्लियर।
अब देखो इसमें माइनस टू को अगर आप राइट साइड भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू टू आएगा, माइनस सिक्स को अगर आप राइट साइड भेजेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स आएगा। यानी आप देखो दोनों को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या लिखेंगे, पहले x प्लस वाई को लिखेंगे, फिर x माइनस वाई को लिखेंगे, राइट। अब मैं साइन चेंज नहीं करूंगा इसके जैसा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो ही जाएगा डायरेक्टली। इसमें तो क्या था, मैंने x के कोएफिशिएंट को सेम बनाया था पर दोनों का साइन भी सेम था, इसलिए साइन चेंज करने के लिए मैंने ये माइनस प्लस माइनस लिखा। इसमें y के कोएफिशिएंट्स का साइन ऑपोजिट है इसलिए इसमें वो हम नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली करेंगे x प्लस एक्स टू एक्स, ये तो कैंसल, टू प्लस सिक्स एट, टू जाएगा एट के नीचे तो एट अपॉन टू होगा, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू फोर। ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे, तो मैं फर्स्ट वाले में डाल रहा हूं, तो क्या आएगा, 4 प्लस y इक्वल्स टू टू, फोर को वहां भेजेंगे तो y विल बी इक्वल टू टू माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस टू, सो y विल बी इक्वल टू माइनस टू, राइट। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियोस में भी और टॉपिक्स के भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। प्लीज जितना हो सके ऐसे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कॉलेज में आपके जो ग्रुप बने होते हैं उसमें आप शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर हाई, ऑल द बेस्ट।